तो आज हम कटहरी के तीन प्रत्याशियों के पास कितना पैसा है और उनके पास हथियार में क्या क्या है। विशेष करके जिला अध्यक्ष जी साहब बगल बहुजन जो है बहुत समझदार है। श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने तो कटहरी में शोभावती वर्मा व उनके पति के पास चार असलहे हैं, मतलब लालजी वर्मा और शोभावती वर्मा के बीच में चार असलहे हैं। संपत्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर संपत्ति में चलते हैं। सबसे पहले धर्मराज निषाद जो तीन बार के विधायक एक बार के मंत्री हैं, इनके पास मकान प्लाट और कृषि जमीन को लेकर यहाँ पर इनके पास 2,15,00,000 रुपए हैं जो इस डाटा में निकल कर आया है। अगर गहने की बात करें तो इनके पास गहना है 28,50,000 और बैंक में जमा किया गया या बीमा किया गया वो पैसे हैं 40,00,000। अच्छा, कैश इनके पास 3,00,000 रुपए हैं। वाहन स्कॉर्पियो है, ट्रैक्टर है और बाइक है। हथियार इनके पास राइफल है और पिस्टल है। ये हो गए धर्मराज निषाद जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब हम चलते हैं शोभावती वर्मा जो सपा के प्रत्याशी हैं। इनके पास है मकान प्लाट और कृषि जमीन को लेकर 7.28 यानी कि 7,28,00,000। गहने हैं 37,33,000 और बैंक में जमा और बीमा हुआ पैसा है 2,30,00,000। अगर हम कैश की बात करें तो इनके पास सबसे ज़्यादा कैश है 44,00,000। अगर वाहन की बात करें तो इनके पास जीप है, इनोवा है, क्रिस्टा है। हथियार की बात करें तो बंदूक, राइफल, 2 रिवॉल्वर। नया भाई जान, अब देखिए, अब इनके पास तो अभी धर्मराज ज़्यादा हो गया। अब हम चलते हैं अमित कुमार वर्मा, ये बसपा के प्रत्याशी हैं और इसमें देखिए इनके पास मकान प्लाट और कृषि ज़मीन को लेकर इनके पास पैसे हैं 57,22,000। गहने की बात करें तो इनके पास गहने हैं 2,90,000। निवेश बैंक में और बीमा देखते हैं तो इनके पास 49,00,000। कैश देखते हैं तो 3,25,000। और अगर गाड़ी की बात करें, हम वाहन की बात करें तो इनके पास स्कूटी है और हथियार तो इनके पास नहीं है, मतलब इनको जान का कोई खतरा नहीं है, शायद इसलिए इन्होंने हथियार नहीं इनके पास। इस सर्वे में जो निकल कर आया है और जो हमारे सामने है आंकड़ा, उसको हम बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे धर्मराज निषाद की। तो ये तीन बार के विधायक एक बार के मंत्री हैं, इनके पास मकान प्लाट कृषि ज़मीन को लेकर 2,15,00,000 रुपए हैं। शोभावती वर्मा जी एक बार जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनके पास 7,28,00,000 हैं। और अमित कुमार वर्मा हैं ये, इनके पास 57,22,000 रुपये मकान कृषि प्लाट ज़मीन को लेकर 57,22,000 हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो हमें ये लगता है कि सबसे जो गरीब प्रत्याशी हैं वो अमित कुमार वर्मा हैं। अगर अमित कुमार वर्मा जी की और कुछ बात करें तो इनके पिताजी जो रामकेश वर्मा जी हैं वो NTPC के बड़े ठेकेदार हैं। अब कितना पैसा इनके पास है ये तो अलग की बात है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो आंकड़ा है वो हम बता रहे हैं। पर वही बात होती है कि कहावत चलती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और होते हैं। तो हमारे पास जो आंकड़ा था वो आंकड़ा हम आपके पास शेयर किए। सबसे अमीर प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा, यानी कि 6 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री लालजी वर्मा, 1 बार सांसद। तो इनकी पत्नी सबसे अमीर हैं इस टाइम पे, सबसे अमीर प्रत्याशी इनकी पत्नी है। इसके बाद धर्मराज निषाद हैं और सबसे गरीब अमित कुमार वर्मा बसपा से हैं। धन्यवाद, नमस्कार।